हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय सी वॉयज व्लॉग ऑफ पोर्ट आर्थर यूएसए टू क्यूबेक कनाडा एंड बैक टू बॉस्टन यूएसए। सो अभी हम लोग पोर्ट आर्थर जा रहे हैं लोडिंग के लिए। यहां से कार्गो लोड करेंगे हम लोग। ये पोर्ट रिवर के अंदर है तो थोड़ा सा रिवर के अंदर ट्रांजिट करके जाना पड़ता है पायलट के साथ अलॉन्ग साइड होने में। फिर उसके बाद हम लोग कार्गो लोडिंग स्टार्ट करेंगे। सो फाइनली ये हमारा शिप अलॉन्ग साइड हो चुका है। अब इसके बाद कार्गो लोडिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वॉयज पर निकलेंगे। सो कार्गो लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमारा शिप बाहर निकल चुका है पोर्ट से और ये रिवर में वापस ट्रांजिट कर रहे हैं हम लोग। ये रिवर कनेक्ट होगा मिड सी में जाकर, वाया सी हम लोग कैनेडा जाएंगे। इट इज़ समथिंग लाइक कनेक्टिंग ए लोकल एरिया रोड विद द हाईवे। पहुँच गया शिप अपने हाईवे यानी कि हाई सी पर और अब ये कनाडा अराइव कर चुके हैं। कनाडा में सेंट लॉरेंस रिवर के अंदर क्यूबेक पोर्ट है। सो रिवर ट्रांजिट है अगेन लंबा, ये क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं स्नोफॉल की वजह से सब जगह वाइट वाइट हो गया है, काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है। बाहर टेम्परेचर सब ज़ीरो है यानी कि माइनस में है। ये टग बोट्स आ गए हैं हमें असिस्ट करने के लिए क्यूबेक पोर्ट के लिए। अब शिप को टर्न करेंगे और टर्न कर हम लोग अलॉन्ग साइड बर्थ ये वाले पोर्ट में जाएंगे। सो फाइनली अपने बर्थ को अप्रोच करते हुए यहाँ पर कार्गो डिस्चार्ज करेंगे हम लोग। नाइट टाइम है, स्नोफॉल हो रहा है, सो मॉर्निंग व्यू काफ़ी अच्छा होने वाला है। चलिए देखते हैं कैसा है मॉर्निंग व्यू। स्नोफॉल हो चुका है तो और भी ज़्यादा वाइट हो गया है चारों तरफ। इट्स ब्यूटिफुल, टेम्परेचर इज़ स्टिल सब ज़ीरो यानी माइनस में है, बट व्यू बहुत अच्छा है। ये देखिए दोनों साइड में ये एक और बर्थ है, दूसरी साइड जहाँ दूसरा शिप लगा है। हमारे शिप पर स्नो एक्युमुलेट हो गया है, गुजरात को स्नोफॉल हुआ था। और ये थोड़ा बाहर का व्यू है, ये ऑल वाइट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नेचर, ब्यूटीफुल व्यू। और ये है हमारा मेन डेक, ये पीछे से आगे की तरफ देख रहे हैं हम लोग। ये डेक भी ऑलमोस्ट पूरा वाइट हो चुका है स्नोफॉल की वजह से। और एक और दूसरा शिप है हमारे साथ, ये जो दूसरा शिप है हमारा शिप भी काफी कुछ बाहर से ऐसा ही दिखता है, खाली कलर थोड़ा सा डिफरेंट है बट साइज और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। हमारा जो शिप है हम अंदर से देख रहे हैं पर बाहर से नहीं देख पा रहे हैं। ये वाला जो शिप है इसको हम बाहर से देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम है बस खाली हमारा कलर थोड़ा डिफरेंट है। ये देखिए साइज स्ट्रक्चर, ये बेसिकली ये जो एरिया है ये शिप का डेक होता है। दिस इज कॉल्ड डेक ऑफ द शिप, सेम दिस इज आवर डेक, दिस इज देयर डेक। ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड शिप्स मैनिफोल्ड। हमारे शिप पर शिप्स मैनिफोल्ड ये गैंगवे की थोड़ा सा आगे, ये ब्लैक कलर का पाइप जहाँ के कनेक्ट हो रहा है, दिस इज शिप्स मैनिफोल्ड जहाँ से कार्गो लोडिंग और डिस्चार्जिंग होती है। सो ये शिप का पूरा डेक हो गया। ये फॉरवर्ड पार्ट होता है शिप का, शिप हमेशा ऐसे चलता है। सो दिस इज फॉरवर्ड पार्ट, मतलब ये शोर फैसिलिटी है इसके पीछे छुप गया है। सो ये जैसे हमारे शिप का फॉरवर्ड पार्ट है और शिप का जो अकोमोडेशन और जो ब्रिज होता है नेविगेशन ब्रिज, वो हमेशा आफ्ट पार्ट में होता है लाइक दिस। ये देखिए ये दूसरे शिप का, ये जो व्हाइट कलर से दिख रहा है ये उसका अकोमोडेशन है, ये सारे लिविंग एरिया है, ये पूरा व्हाइट व्हाइट, दिस इज ऑल। और ये जो टॉप में ये ग्लासेस दिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड नेविगेशन ब्रिज। ब्रिज इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द शिप क्योंकि सबसे टॉप पे होता है, सब सारे कंट्रोल्स यहाँ पे होते हैं, सारे डिसीजन मेकिंग ब्रिज से होते हैं। सो दिस इज ऑन द टॉप पार्ट ऑफ द शिप, दिस इज द ब्रेन ऑफ द शिप और यहीं से पूरा नेविगेशन होता है, पूरा व्यू आता है यहाँ से 360, आप पूरा चारों तरफ देख सकते हैं फ्रॉम द ब्रिज ऑफ द शिप। और शिप ऐसे मूव करता है और यहाँ पे नेविगेशन वॉचेस रखी जाती है जहाँ से लोग नेविगेट करते हैं, शिप को पूरा कंट्रोल करते हैं। सो एट प्रेजेंट जो हमारा ब्रिज है वो ये है अंदर से, और बाहर से देखेंगे तो कुछ व्यू ऐसा आएगा समथिंग लाइक दिस। सो इस तरह का शिप है और आप पीछे जाएंगे बैक साइड में। सो ये जो एरिया है ये आफ्ट पार्ट है पीछे का, दिस इज कॉल्ड फनल, जहाँ से इंजन का एग्जॉस्ट निकलता है पूरा। ये जो अकोमोडेशन है इसके नीचे पूरा शिप का इंजन होता है, नीचे बॉटम में, ऊपर ब्रिज होता है। और ये बैक साइड में जो आप देख पा रहे हैं लाइफ बोट है,
इनका फ्री फॉल लाइफ बोट है, हमारा जो लाइफ बोट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे पास दो लाइफ बोट है दोनों साइड में, स्टार्बर्ड साइड एंड पोर्ट साइड दोनों साइड में एक एक लाइफ बोट है। इनका एक ही लाइफ बोट है स्टर्न में, इसको बोलते हैं फ्री फॉल लाइफ बोट। सो बट साइज सेम है एंड स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। अब थोड़ा बाहर चलते हैं और बाहर का व्यू लेते हैं। सो फ्रेंड्स नाउ आई एम इनसाइड ब्रिज, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है, ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते वहां पर क्योंकि स्नो स्टॉर्म चल रहा है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, सो इट्स फ्रीजिंग। सो ब्रिज के अंदर क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है हमने, सो इट्स कोजी। इनसाइड ब्रिज का जो व्यू है वो भी बड़ा अच्छा है इस टाइम, क्योंकि चारों तरफ स्नो है और इट लुक्स गुड, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नॉर्थ पोल के नियर बाय हैं। सो यहाँ पर सनसेट बहुत जल्दी होता है, इट्स ओनली 3:30 नाउ एंड इट्स अबाउट टू बी डार्क। ये देखिए अभी हाफ एन आवर में ऑलमोस्ट यहाँ पर डार्क हो जाएगा सनसेट, तो इनफैक्ट सन तो है ही नहीं, सन इज नॉट विजिबल, इट्स ऑल ओवरकास्ट, क्लाउडी है चारों तरफ, बट ये थोड़ा बहुत जो लाइट है ये भी खत्म हो जाएगी हाफ एन आवर में, बिकॉज विंटर्स में जो एरियाज है नॉर्थ पोल के नियर बाय वहाँ पर सनसेट जल्दी होता है, एंड समर्स में यहाँ पे जो डे टाइम होता है वो बहुत लंबा होता है, यानी कि नाइट बहुत छोटी होती है, बिकॉज जो अर्थ है हमारी ऐसे टिल्ट होती है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी में ये कैसे होता है। कल मैं भी प्लान कर रहा हूँ बाहर शोलिप जाने का, आज चीफ ऑफिसर और बाकी लोग गए हैं तो हम सब लोग एक साथ नहीं जा सकते, कैप्टन एंड चीफ ऑफिसर अगर वो आ जाएगा फिर कल मैं जाऊँगा। वी आर गोइंग आउट फॉर द शोर लीफ, आज का शोर लीफ स्नो में होने वाला है। ओके लेट्स गो। सो फाइनली अपनी शिप को पीछे छोड़कर हम लोग जा रहे हैं शोर लीव, यानी कि बाहर घूमने एंजॉय करने, और ये मीडियम साइज टाउन है क्यूबेक, बट बहुत ब्यूटीफुल है, स्नोफॉल की वजह से और ब्यूटीफुल हो गया है, टूरिस्ट प्लेस है। सो देखते हैं बाहर जाके क्या मिलेगा, एक्सप्लोर करेंगे। सो ये टैक्सी ली है हमने क्योंकि सिटी यहाँ से अबाउट हाफ एन आवर की दूरी पर है, पोर्ट थोड़ा सिटी के बाहर है। सो ये हम लोग ऑन द वे, ये दोनों साइड में रोड के रो हाउसेज हैं, बड़े ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। तो ये जो कनाडा का पार्ट है यहाँ पे मोस्टली फ्रेंच लोग हैं तो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा होता है, बट लोग इंग्लिश भी समझते हैं। और ये फाइनली हम लोग सिटी सेंटर पहुँच गए हैं, ये एक शॉपिंग मॉल है, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, फिर कुछ खाएंगे एंड देन बैक टू शिप। सो फाइनली हमारी शोर लीव एंड हुई है मैक्सिकन रेस्टोरेंट में, गुड। सो फाइनली कनाडा को बाय बाय करते हुए हम लोग निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट पोर्ट जो कि है बॉस्टन यूएसए। सो उसकी तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, फाइनली बॉस्टन अराइव कर गए हैं, पायलट आ गया है ऑन बोर्ड जो कि हमें अंदर लेकर जाएगा। ये पोर्ट काफ़ी अंदर जाकर है, तो काफ़ी पुराना पोर्ट है, नेचुरल और यूएस का हिस्टोरिकल पोर्ट है। सो रास्ते में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आएंगे, एक ब्रिज आएगा। तो फाइनली पोर्ट अप्रोच करते हुए हम लोग बॉस्टन पोर्ट, और ये ब्रिज है जो कि ओपन होता है शिप्स के लिए, इट्स लाइक एलिवेटर, ये ऊपर हो गया बाद में नीचे हो जाएगा, और ये सामने हमारा बर्थ है, और ये फाइनली हमारा शिप अलॉन्ग साइड हो गया। सो नाउ इट्स टाइम टू लीव द बॉस्टन पोर्ट ऑल्सो, कार्गो कम्प्लीट हो चुका है, रेलवे शिप को बाहर निकाल रहे हैं हम लोग, फिर से ब्रिज ओपन हो गया उसके नीचे से ट्रांजिट कर कर, अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, फाइनली मेन सी में पहुंच जाएंगे रिवर के थ्रू। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, इसमें आपको मिलेगी सेलेक्टिव इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन जो कि आपको चाहिए। अभी पायलट ऑन बोर्ड है, बाहर तक पायलट लेकर जाता है हमें, उसके बाद में ये पायलट बोट आ गई है, अभी पायलट उतर रहा है। सो फाइनली पायलट को छोड़कर हम लोग निकल पड़े हैं सी में टू एक्सप्लोर अनदर प्लेस अनदर वर्ल्ड, ये एग्जिस व्यू है। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करेंगे, आज ब्राइट सनी डे है सो टेम्परेचर अच्छा हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर DM यानी कि डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। So continue exploring the world of sea and ships on this channel. So see you in next video. Till then, stay busy, stay healthy, stay happy. Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai. Thank you.